अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? इस वक्त जहाँ रहें जी खुश रहें। और जी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ टॉप 5 नेल पेंट कलर। अच्छा, नेल पेंट लेना ना बहुत ही आसान सा भी काम है और बहुत ही मुश्किल सा भी काम है। एक ये कि हम बहुत सारे, जैसे मैं करती थी, बहुत सारे नेल पेंट ले आती थी, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। एक जो है ना मेरे पास भरा हुआ नेल पेंट है, बहुत सारी ज़ाया होगी, मैंने फेंक दी, ड्राई होगी, पड़े पड़े यूज़ नहीं हुई, और बहुत सारी जो है ना अभी यूज़ में आ रही हैं लेकिन कम कम आ रही हैं। कुछ टिप्स शेयर करूँगी कि आप लोगों के पैसे वेस्ट ना हो और आप लोग जब नेल पेंट लेने जाएं आप लोगों को पता हो कि हमने नेल पेंट कौन सा लेना है। और एक और चीज़ कि हम जो है ना जब बहुत ज़्यादा कलर जमा कर लेते हैं ना नेल पेंट के, तो ये मैं वैसे अपनी स्टोरी बता रही हूँ, नेल पेंट के कलर जमा कर लेते हैं तो वो हमारे इस्तेमाल में ही नहीं आते। अब वो नहीं है कि हमने रेड कपड़े पहने हैं तो रेड ही नेल पेंट लगाएंगे, रेड ही जूता पहनेंगे। अब ये है कि अगर हमने ब्लैक सूट पहना है उसके साथ अगर हम रेड नेल पेंट लगाएं तो वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। मतलब कलर को कट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर सेम सब चीज़ें लगा लेंगे तो वो जो है ना वो इतना मतलब उठ के नहीं आएगा। तो आज जो मैं कलर शेयर करने वाली हूँ, ये आप कोई सा भी ड्रेस उठाएंगे ना तो आप लोग वो वाला नेल पेंट लगाएंगे, आप लोगों पर सूट करेगा, आप लोगों के ड्रेस के साथ जो है ना बड़ा ज़बरदस्त सच मतलब नज़र आएगा, आप लोगों के ड्रेस के साथ बहुत ही उठ के आएगा। ठीक है, कभी कभी होता है कि हम कोई कलर ढूंढते हैं और हमें एग्जैक्ट मिल नहीं रहा, जैसे मेरे साथ होता था। मैं अपने माइंड में जो है ना वो कलर को रख के जाती थी कि मुझे ये वाला कलर चाहिए, तो मैं एक लाइलक कलर ढूंढ रही थी तो मैंने ये पर्पल चूज़ किया, मुझे ये पसंद नहीं, इतना पसंद नहीं आया था, और मैं जो है ना दोबारा गई और फिर मैं सेम यही कलर उठा के लाई। तो ये भी कभी कभी हो जाता है कि हम सेम ही कलर, हमें चाहिए कुछ और होता है और हम सेम ही कलर उठा के ले आते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं गई तो मैंने फिर जो है ना फोटो अपनी बना के रखी थी कि कौन सा एग्जैक्ट कलर मुझे चाहिए, गई थी। ठीक है, तो बहुत इजी हो जाता है उस तरह से अगर हमारे पास फ़ोटो हो, हमारे पास कलर हो, तो एग्जैक्ट मैच करना ना जो हमें चाहिए होता है। माइंड के साथ तो हम मैच नहीं कर सकते, तो वो फोटो सामने होगी तो कलर हमको मैच करना ना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है जी, तो आज मैं आप लोगों के साथ कलर शेयर करने वाली हूँ, उनके नंबर्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। अगर आप लोगों को पसंद है तो आसानी से आप लोग शॉप पर जाके वो वाले कलर ले सकते हैं। आप लोगों को कलर दिखाती हूँ फिर उसको लगा के दिखाती हूँ। अच्छा, मेरे तो हाथों पर ना रेड कलर लगा हुआ था, मैंने कलर किया था बालों में किसी के, तो फिर मेरे बहुत ज़्यादा जो है ना नेल ख़राब हो गए थे। तो मैंने अपने हाथों पे तो नहीं नेल्स लगाए, नेल पेंट लगाया, तो मैंने अपनी सिस्टर के नेल पे आर्टिफिशियल नेल लगा के तो नेल पेंट लगाया। होपफुली आप लोगों को भी कलर सही तरह से वाजे हो जाए। ठीक है जी, तो वन बाई वन मैं आप लोगों को कलर दिखाती हूँ, उसके बाद हम कलर को अप्लाई करेंगे। और ये नूड शेड अगर आप लोगों को पसंद है तो ये वाला कलर शेड आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त सा शेड है। अभी मैं आप लोगों को लगा के बताती हूँ। किक ब्यूटी का ये नेल पेंट कलर है और इसका जी शेड है 33। ठीक है जी, साथ साथ मैं मेंशन भी कर दूंगी ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। ये किक ब्यूटी का, और इसको मैं आप लोगों को लगा के बताती हूँ कि क्या। अब जी सेकंड कलर की तरफ आते हैं, वो है जी ये लाइलक कलर, जो पर्पल कलर के चक्कर में ना मैंने दो दफ़ा डिफरेंट कलर ले लिया था, लेकिन एग्जैक्ट ये देखें बहुत ही डिफरेंट सा, बहुत ही खूबसूरत सा शेड है। लगा के आप लोगों को साथ साथ बता रही हूँ वीडियो में। किक ब्यूटी का ये है जी शेड नंबर 11। ठीक है जी, और बहुत ही मतलब अच्छा लगता है। आप किसी भी ड्रेस के साथ, लाइलक के साथ भी लगाएंगे या फिर किसी और के साथ, वाइट के साथ लगाएंगे, ब्लैक के साथ लगाएंगे, तो भी ये कलर बहुत ही ना मतलब ज़बरदस्त उठ के आता है। उसके बाद जी थर्ड कलर आ गया हमारे पास किक ब्यूटी का, ये पिंक शेड है। ना ये बहुत पिंक है, ना ही ये डल में आता है, मतलब ये टी पिंक सा कलर है, बहुत ही सॉफ्ट सा कलर है। साथ साथ लग रहा है आप लोगों को सही तरह से आइडिया हो जाएगा कि क्या मतलब इसका ना प्रॉपर शेड आ रहा है। अच्छा जी, नंबर है इसका 31। ठीक है जी, और बाकी कलर आप लोगों के सामने है, साथ साथ मैं लगा के भी आप लोगों को बता रही हूँ। उसके बाद जी नेक्स्ट कलर जो आ जाता है वो है जी, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, सी ग्रीन कलर भी कह सकते हैं इसको, थोड़ा ब्लू सा मिक्स सा कलर है। तो
ब्लू नहीं है क्योंकि मुझे ब्लू कलर इतना पसंद नहीं है। तो ये इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त है, आप लोगों को लग के साथ नज़र आ रहा होगा कि क्या मतलब इसका शेड है। अच्छा ये कलर नेल पॉलिश का है और इसका शेड है जी 4 5 4 5 3। साथ में कलर के जो है ना वो मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, भी ट्राई करूंगी कि आप लोगों के लिए डाल दूँ। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत सा शेड है, छोटू सा। ओके जी, उसके बाद जी नेक्स्ट आ जाता है, ये मैट में आता है लाइट पिंक सा, लेकिन ये उस पिंक से बहुत मुख्तलिफ है जो पहले दिखाया था, ये मैट में है। और जी ये सी आर पॉलिश है, मतलब इसका जो है ना मैं आप लोगों का कैट सीरीज़ है सी आर का। तो बहरहाल इसका जो है ना मैं अगर कुछ नंबर मुझे नज़र आया तो मैं साथ मेंशन कर दूंगी, लेकिन इसके बैक पे कोई नंबर नहीं है। लेकिन कलर जो है ना वो बहुत है, कलर आप लोग अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप स्क्रीन शॉट ले लें साथ साथ, और उसके बाद जी आप लोगों को ईजी हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा ये कलर भी लेना। कलर आ रहा है ना वो दूसरे पिंक से मिलता जुलता ही आ रहा है। ये हमारा लास्ट शेड है और बहुत ही खूबसूरत सा नेचुरल कलर है। ओके जी, लास्ट जो ये था कैलाजोना का पिंक शेड था, नंबर मैं भूल गई थी इसका शेयर करना है, बाकी सारे के नंबर मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं कलर्स के, आप लोग स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। और मुझे लाजमी बताइएगा आप लोगों को कौन सा कलर पसंद आया है, इसको ट्राई करिएगा और मुझसे फ़ोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।